So, hello young chums. I am your English trainer Pooja. So, today I'll welcome you to my class of English grammar of book Grammar Glitter Odyssey of Grade 5 by Brain Root. As you know, this is a product of Amit Publishing House. So, today we will start chapter number 20 of our book, that is Comparison of एडवर्ब्स. हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं और एडवर्ब के काइंड्स क्या होते हैं. सो अब हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स का कंपैरिजन आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. रिट्रैक्ट. रीड दीज सेंटेंसेस. राम क्राइड लाउड. रिट्रैक्ट. रीड दीज सेंटेंसेस. Ram cried loud. Ram cried louder than Shyam. हम पीछे भी पढ़ के आए हैं comparison. Sharan cried loudest. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक statement है, declaration simple. एक में comparison है और एक में superlative degree लगी है. तो यहाँ पे तीनों में क्या है, कंपैरिजन हो रहा है. व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स कन्वे, द वर्ड्स लाउड लाउडर लाउडेस्ट शो द बॉयज क्राइड. द हाइलाइटेड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस आर एडवर्ब्स. और जो हाइलाइटेड वर्ड है उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं. बच्चों वी ऑलरेडी नो दैट द एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब. हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि वर्ब को अगर और मॉडिफाई वे में डाल दीजिए उसको एडवर्ब कहते हैं. नाम से ही पता चल रहा है. राम क्राइड लाउडर देन श्याम. शरण क्राइड लाउडेस्ट. क्या है ये तीनों, ये एडवर्ब्स हैं. अब एडवर्ब्स तो हम पढ़ के आए हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं. वर्ब्स में अगर आप कुछ ऐड कर दो, वर्ड्स के मीनिंग में कुछ और ऐड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. अब जब हम एडवर्ब्स का कंपैरिजन करते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स. मॉडिफाई करता है एडवर्ब्स वर्ब्स. Adjective and other adverbs. Like adjective adverbs can be used compare action quality. जैसे हमने adjective का comparison पढ़ा था ना, ऐसे ही हम adverbs का भी comparison पढ़ रहे हैं. Adverbs are said to be positive degree when used in simple form. Positive degree में आएगा same जैसे adjective था, जब simple form आएगा. When we have to compare two actions or quality of two things, we used comparative degree of adverbs. जहाँ दो की बात आ जाती है वहाँ पे हम comparative degree करते हैं, और जहाँ हम जो है बिल्कुल सबसे एक चीज़ को compare कर रहे हैं तो वो आ जाती है superlative degree. जो है students, हम पहले ही इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, बिल्कुल same है हमारा ये adjective की तरह. आ जाते हैं हम इसकी exercise पर. When we have to compare three or more actions or a quality of three or more things, we use superlative degree. Comparative में hard का हो जाएगा, er आ जाएगा harder, और superlative में hardest आ जाएगा. Soon का हो जाएगा sooner comparative में, और आपका superlative degree में est आ जाएगा soonest. Fast का आपका faster, और आपका comparative superlative degree में fastest आ जाएगा. For adverbs in ly, जहाँ ly लगता है, we usually add more and most before them to form a comparative or superlative degree. जो ly होते हैं ना, early, जैसे कि आपका carefully, और जो है swiftly, certainly, तो वहाँ पे हम कैसे happily क्या डालेंगे, comparative में आप तो more डाल दीजिए और आपका most आ जाएगा superlative. द एडवर्ब अर्ली इज एन एक्सेप्शन. पर अर्ली इसका एक एक्सेप्शन है, उसमें भी एल वाई आएगा, बट एल वाई में हम मोर और मोस्ट नहीं, हम अर्लियर और अर्लियर अर्लियर ही लिखेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए अर्लीस्ट आ जाएगा. याद रखेंगे एक्सेप्शन है. आ जाते हैं सीधा ऊपर, कुछ और एडवर्ब दिए गए. गुड का आता है बेटर और बेस्ट. बैड का आता है वर्स और वर्स्ट. इल का आता है वर्स और वर्स्ट. लिटिल का आता है लेस और लीस्ट. मच का आता है मोर एंड मोस्ट. फार का आता है फर्दर एंड फर्देस्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स और द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. हमें फिल करना है इसको करेक्ट से, करेक्ट एडजेक्टिव से, करेक्ट आपके एडवर्ब से. सॉरी,
ही वर्क डैश देन एवर बिफोर, सुपरलेटिव डिग्री है, ही वर्क हार्डेस्ट देन एवर बिफोर, ये हार्डेस्ट आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। कंपेरिजन कर रहे हैं, कभी नहीं करा उसने उतना ज्यादा वर्क, उसने कर लिया, हार्डेस्ट देन एवर बिफोर। आफ्टर हिज एक्सीडेंट ही हैज बिकम केयरफुल, मोर केयरफुल आ जाएगा, एल वाले वर्ड है। नाउ ही ड्राइव स्लोली, आरुषि डांसेस ग्रेसफुली, तो यहां पे आप एक बात बताइए, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री है तो यहां पे आएगा मोस्ट ग्रेसफुली ऑफ ऑल, मोस्ट लगाते हैं अब याद रखेंगे आप। द डैश अटैक लायन द वीकेस्ट, क्योंकि वो अटैक लायन अटैक द डियर, द डैश लायन अटैक द डियर, अटैक करा किसने, वीकेस्ट वीकेस्ट सॉरी। इट वॉज वेरी कोल्ड सो वी क्विकली लिट द फायर, तो ऐसे ही आपको ही वॉज वेरी हैप्पी मैन इन द विलेज, तो पूरे विलेज की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा ही वॉज वेरी हैप्पीएस्ट मैन इन द विलेज। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, EST आ जाएगा। द लेसन इज क्या है, कंपेरिजन है, लास्ट लेसन, लेसन इज मोर डिफिकल्ट देन द लास्ट वन, द हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक लंबे आपको जैसे कि आपने बोलते ना हिंदी में मुहावरे, तो ऐसे यहाँ पे होता है कि एक पूरे फ्रेज के लिए आपको एक वर्ड लिखना है। अ पर्सन हु, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच पीपल यूज वन वर्ड टू रिप्लेस अ वर्ड फ्रेज टू मेक अ सेंटेंस स्ट्रक्चर मोर क्लियर कॉम्पैक्ट एंड इम्प्रेसिव, पूरा ना बोल के आपको एक कॉम्पैक्ट आप वर्ड बोल देंगे। अ पर्सन हु डजेंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अथिस्ट क्या बोलते हैं। अब टास्क, आई राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसेस। अ पर्सन हु डजेंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अथिस्ट। A list of books in a library, क्या बोलते हैं उसको, catalog। A piece of enclosed land planted with the fruit of trees or an orchard। One who offers his service for his own will, जो है इसको आप करिए चलिए ठीक है। वन हु जर्नीज टू अ होली प्लेस, कहीं घूमने जा रहे हैं क्या बोलेंगे, पिलग्रिम्स। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल हु फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड द बाय द पीपल, खुद ही चुनिए अपने लिए, डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये सब सॉल्व करने हैं, एक वन वर्ड आप इन्हें फाइंड पढ़िए, इनको फाइंड आउट करिए कि इनके लिए वन वर्ड क्या होगा। सेम है आपको, राइट अ वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग, टू एम्बार्क अ जर्नी ऑन अ जर्नी, टू फाइंड आउट द समथिंग न्यू अबाउट अ प्लेस, इनको पढ़िए। इनको एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग समथिंग, इसको होगा शायद मेरे ख्याल से इसका होगा एक्सपेरिमेंट, कुछ नया करते हैं। The gradual development of something over many years, the act of causing exists. तो आप इसको पढ़ेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए, और राइट करेंगे कि इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। आई होप कि आपको समझ आया है कि कैसे हम एडवर्ब्स का क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, कैसे हम कहाँ पर अपनी हम जो है कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं या फिर पॉजिटिव वेज डिग्री, कहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और कहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। चलिए आपको समझ आया हो तो उसके लिए थैंक्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।